महादेव वेब रेडी अन्ना ऐप, ये नाम भिलाई वासियों के लिए कोई नया नहीं होगा। लगातार दुर्ग पुलिस ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। अब हाल ही में एक और ऐसा मामला आया है जहां पर दुर्ग छत्तीसगढ़ के एक युवक को गोवा में बंधक बनाकर उसके परिजन से 10 लाख रुपए की मांग की गई। फिरौती की खबर जब युवक के पिता को लगी तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना दुर्ग पुलिस को दी। एसपी सलभ सिन्हा ने तुरंत एक टीम बनाई और टीम को गोवा के लिए रवाना किया। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्ग पुलिस की टीम ने गोवा से मट्ठू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद और भी कई राज अभी सामने आने बाकी हैं। आपने देखा होगा कि लगातार ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और दुर्ग पुलिस इसमें बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन आज भी ऐसे कई नवयुवक हैं जो जल्द पैसा कमाने की जुगत में इस तरह के कामों में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इन कामों की एक्सपायरी बहुत जल्द हो जाती है और एक बार अगर आपके ऊपर कुछ कानूनी धाराएं लग गई तो इतना समझ लीजिए कि आपका कैरियर पूरी तरह से खराब हो सकता है। इसलिए भूलकर भी इस तरह के कामों में ना पड़े, ना ही किसी को बढ़ावा दें। चौकी में हमको शिकायत मिली थी श्री संजय ताम्रकार द्वारा कि उनके पुत्र सुरेश ताम्रकार जो है उनको बहला फुसला करके कुछ लोग गोवा लेकर के गए। वहाँ पे उनसे महादेव आईडी के काम का काम करवाते थे और महादेव आईडी में जब नुकसान हुआ तो नुकसान की भरपाई करने के नाम पे उनको वहाँ पे रोक के रखा हुआ था, आने नहीं दिया जा रहा था। जब तक 10 लाख रुपए की भरपाई ये नहीं करेंगे तब तक इनको आने नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैसेज इनके फादर के पास आया था। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोगों ने अपराध दर्ज किया और एक टीम बनाई। एक टीम बना करके इनके और लिंक्स वगैरह हम लोगों ने निकाले तो पता चला कि महादेव का पैनल वहाँ पर चल रहा है, तो हम लोगों ने एक ज्वाइंट टीम बना करके दोनों कार्रवाई के लिए टीम वहां पर रवाना किया। टीम रवाना करने के पश्चात जब टीम वहां पहुंची तो सुयश ताम्रकार को वहां से सकुशल हम लोगों ने बरामद किया और जो आरोपी है इसका नाम है माटू सूर्यवंशी, इसके विरुद्ध 347 और 386 की धारा लगाई गई है एक्सटॉर्शन और बंधक बनाने वाली। और इसके साथ ही वहां पे एक महादेव का पैनल भी चल रहा था, उस महादेव के पैनल को भी हम लोगों ने बर्स्ट किया है। वो जो पैनल है वो बुक नंबर 456 है, इसमें हम लोगों ने 6 आरोपियों को अपने कब्जे में लिया है जिनके जिनसे हमको एक लैपटॉप और 5 अलग अलग मोबाइल फोन मिले हैं, साथ साथ बैंक के डिटेल्स मिले हैं। बैंक के डिटेल्स भी हम लोग ले रहे हैं, फ्रीज करा रहे हैं और इनसे पूछताछ में और भी आगे खुलासा होने की संभावना है। ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें ACCU की टीम, सुपेला और स्मृति नगर की टीम ने मिल करके ये पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें हमको दोनों ही मामलों में सफलता मिली है। जो बंधक सुरेश ताम्रकार था उसको छुड़ाकर सकुशल हम उसके परिवार को सौंपा है और साथ साथ महादेव आईडी का जो गैंग चल रहा था उसको भी बस किया है।